होते कौन है? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उनके बाप का देश है ये कि वो किसी भी चीज को बेच देंगे? दूसरी, सरकार ने 70 साल के अंतर्गत खून पसीने से सींच सींच करके इस देश को बनाया है, कंपनियों को चलाया है, और ये अभी आकर के ये बेच देंगे वो बेच देंगे। तुम्हारे बाप का माल है, अंग्रेजों की औलाद कहीं के, गद्दार कहीं के, तुम तो जो कि अंग्रेजों के मुखर थे तुम्हारे बाप दादे, अपने परदादा की स्त्री बना, तो वहां प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दो। एक भी प्रत्याशी यदि बिना पेटे रह गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा गंगा जी में जाकर के, पटना के अंतर्गत में, ध्यान रखना इस बात के लिए। इसलिए बिहार की तरफ बीजेपी देखे भी नहीं, नीतीश देखे भी नहीं। तो बीजेपी के अंतर्गत में हर आदमी लगभग बलात्कारी है, हर नेता बलात्कारी है। आज बलात्कार वाला विधेयक भी पास नहीं हो पा रहा है कि बलात्कारी को फांसी लगनी चाहिए या अंग भंग विच्छेद होने। क्यों? क्योंकि भाजपा के अंतर्गत में 95% दूंगा। अब देश नहीं बेच रहा है तो तू क्या कर रहा है? तू, मैं कहना चाहता हूं अच्छी प्रकार से, मोर चुगाने से केवल ये काम नहीं होगा। मोर तो राम रहीम ने भी चुगाया था, जिस प्रकार से उसका हाल हुआ तेरा भी, तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं बिहार चुनाव के विषय में एक बात बताना चाहता हूं माननीय, कि बिहार चुनाव पहले तो टाल देना चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव इस समय नहीं होना चाहिए। इस समय वहाँ बाढ़ ग्रसित है, कोरोना ग्रसित है, डिस्टेंस लोगों का बहुत ज़रूरी है, अर्थव्यवस्था समाप्त है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार के अंतर्गत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो जनता की भलाई के अंतर्गत में हो। हर सब जगह वर्तमान सरकार भी वहाँ की फेल है, बीजेपी सरकार इसलिए फेल है कि बीजेपी भी इस बात को अच्छी प्रकार से नहीं संभाल पाई थी, और उसी से समर्थित वहाँ जो की सरकार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, विपक्ष भी अपने में मजबूत नहीं है, विपक्ष को भी जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया है। वहाँ पर किस प्रकार से चुनाव की आप जो कि वो रख सकते हो? वहाँ पर चुनाव की कुछ प्रतिक्रियाओं के विषय में प्रतिबंध है। मैं कहता हूँ उस प्रतिबंध से चुनाव नहीं होता है कि सभा नहीं कर सकते हो, LCD वगैरह लगा करके चुनाव कर सकते हो। तो बीजेपी तो करोड़ों रुपये खर्च कर देती है, एक जो कि सभा पहले कर भी चुकी है, एक रैली निकाल भी चुकी है, करोड़ों रुपए खर्च किया। अब हर आम जो उम्मीदवार होगा वो तो नहीं कर सकता है, हर पार्टी तो नहीं कर सकती है। फिर वहाँ पर आप ये देखिए कौन सी पार्टी है, कोई भी पार्टी बिहार के अंतर्गत में सक्षम नहीं है। मैं तो कहता हूँ बिहार के अंतर्गत में भी चुनाव की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और रही बात किस पाले में गेंद जाएगी, किस पाले में सत्ता आएगी, तो ये तो हिंद आर्मी तय करेगी, अर्थात डिप्टी CM हमारा होगा, और हम जिसको भी निर्णय करेंगे कि हम इसको समर्थन देंगे, उसको बिहार का मुस्लिम और दलित उसको साथ होगा, और जहां मुस्लिम और दलित साथ में होगा तो वही जो कि सत्ता के अंतर्गत में आएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बिहार में अभी चुनाव का माहौल नहीं है, और बिहार के अंतर्गत में कोई नेता भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी चल रही हैं बातें, क्या स्थिति होती है ये आपको आगे बताएंगे, पर फिलहाल में बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन सर युवराज जी, बिहार में इतने हालात जो है वो बहुत गंभीर है, लोग बाग वहाँ त्राहिमाम त्राहिमाम हुए पड़े हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कहीं जाने के लिए पैसे नहीं है। इस स्थिति में, इस भयावह स्थिति के बीच में चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी तो लाभ लेना चाहती है, केवल समय का लाभ लेना चाहती है कि अपना जो कि सरकारी महकमे के द्वारा जो कि चुनाव जीतना चाहती है, AVM के द्वारा चुनाव जीतना चाहती है। परंतु भाजपा को ये नहीं पता, मोदी जी को, जो यहाँ से लोग पैदल गए थे पलायन करके, उनकी चप्पलें फट गई हैं, टूट गई, और टूटे हुए जूते चप्पल सुरक्षा के लिए रख रखे हैं। भाजपा का माला बना करके और दौड़ा दौड़ा करके विधायकों को इसका स्वागत किया जाएगा? और मैं बिहार के सब लोगों से कहूँगा, ध्यान रखें, और किसी को आप कुछ भी कहिए मत कहिए, परंतु भाजपा के प्रत्याशियों का जरूर स्वागत करें। और कैसे स्वागत करें? अपने उन्हीं जूते चप्पलों के द्वारा करें। ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाजपा को तो कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करना चाहिए, भाजपा की बहुत बड़ी भूल होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के हालत ठीक नहीं है, अभी चुनाव को रोका जाए, हालात को सुधारा जाए, और जब तक कोरोना बाढ़ ऐसी महामारी है तब तक जो कि वहाँ पर चुनाव ना हो। दूसरी पार्टी ने बसों को लगाया, उनको जो कि अनफिट कर दिया गया कागज, और जो ट्रकों से जा रहे थे उन लोगों को उतार उतार के मारा जाता था, और जो पैदल जाते थे जैसे कि कोई 200-300 किलोमीटर आगे चला गया फिर भी उसको मार करके पुलिस पीछे भगा देती थी, क्या जनता इस बात को भूल गई है? बीजेपी खबरदार रहना, यदि बिहार की तरफ एक भी प्रत्याशी खड़ा किया, यदि प्रत्याशी खड़ा किया तो हिंद आर्मी
इसमें कोई शंका नहीं, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। मैं ये कहता हूं हिंद आर्मी जिसके साथ होगी उसकी सत्ता वहां पर होगी और वही वहां पर जीतेगा। अब हिम्मत है तो वहां प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दो। एक भी प्रत्याशी यदि बिना पेटे रह गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा गंगा जी में जाकर के पटना के अंतर्गत में, ध्यान रखना इस बात के लिए। इसलिए बिहार की तरफ बीजेपी देखे भी नहीं, नीतीश देखे भी नहीं, तुम लोग फेल हो गए हो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के अंतर्गत में इन दोनों की किसी की भी सत्ता नहीं आएगी किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। आप कह रहे हैं सत्ता नहीं आएगी, मीडिया पूरा दिखा रही है उनको लोकप्रियता और बढ़ रही है, अगर आज के हालात में चुनाव कर दे तो मोदी जीत जाएंगे। अब वो तो एक ऐसी स्थिति है, मीडिया कुछ भी दिखा दे, मीडिया का क्या है। अब 8 लाख जो कि लोग धरने पर बैठे हुए हैं रेलवे के जो कि कर्मचारी, उनको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नहीं दिखाती मीडिया अच्छी प्रकार से। हम लोग जो कि निजीकरण के विरोध के अंतर्गत में गए थे वहां कितना हुआ हल्लड़ हुआ, जो कि जंतर 28 तारीख को कितनी पब्लिक थी और बरसात हो रही थी, मीडिया ने कब दिखाया? मीडिया वाले तो पैसा मांगते हैं सोच जो कि ये जो कि बड़ी मीडिया वाले, मैं ये कह रहा हूं बड़ी मीडिया वाले टीवी चैनल वाले केवल बीजेपी ने खरीद रखे हैं और उनकी परिस्थिति है। वो हमारे सामने कहते हैं महाराज क्या करें, हम जितना के उतना बोलिए तो हम चलाएंगे और या फिर जो कि पैसा खर्च करोगे तो चलाएंगे, यदि हमने कुछ उल्टा सीधा चला दिया तो चैनल को समाप्त कर देंगे, हमको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मीडिया तो खरीद रखी है पर बिहार के अंतर्गत में भाजपा नीतीश दोनों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। हम जिससे समर्थन देंगे वो आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के सट जचाया जा रहा है इस बार बिहार चुनाव में भी कुछ ऐसे ही हमला होगा? मैं ये कहना चाहता हूं ये ईवीएम से कराएं चाहे जो कि बैलेट पेपर से कराएं, भाजपा हारेगी, इनका दिल्ली जैसा हाल होगा और भाजपा को तो जिस जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं हम वहां खड़े हैं, मुस्लिम और दलित को मिला करके इनको एक भी प्रदेश में कोई सरकार नहीं आने देंगे। हिम्मत है तो बीजेपी अब किसी भी प्रदेश में सरकार बना के देख ले बैलेट पेपर के द्वारा। मैं ये कहता हूं मैं जो कि बिहार चुनाव के अंतर्गत में इनका विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। मैं बिहार के अंतर्गत में आ रहा हूं, हमारी प्रतिज्ञा है किसी भी तरीके से बीजेपी और नीतीश को नहीं आने देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार कि बीजेपी का इस बार वहां पे जो तंबू लगा करके बैठी है उखड़ेगा या फटेगा, क्या होने वाला है? तंबू का तो बम्बू उखड़ ही गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो उस तंबू का बम्बू हम ले जाएंगे और जहां तंबू में बम्बू नहीं रहा तो फिर तंबू किस बात का है? तो बीजेपी के पास कोई तंबू नहीं है, बीजेपी केवल बेकार की बातें करती है। मजबूत इरादे वाला तंबू है 56 इंच की, मजबूत इरादे वाला 56 इंच का तो मालूम पड़ गया चाइना के अंतर्गत में, जब चाइना सामने आता है तो 26 इंच का भी नहीं रहता है, लोगों को पागल बनाते हैं। हिम्मत है तो बताइए ना आप, लोगों को हिम्मत है तो बताइए ना आप कि चाइना ने हमारी जमीन दबा रखी है, पागलपन की बातें करते हो। मोदी जैसा दुनिया में कोई पागल इंसान ही नहीं है, लोग विश्व में हमारे ऊपर हंसते हैं कि मोदी उल्टी सीधी बातें करते झूठ बोलते हैं सफल प्रधानमंत्री बनते। मैं कहता हूं सबसे बड़ा असफल प्रधानमंत्री है तो मोदी है, मोदी के अंतर्गत में कोई सफलता का विषय ही नहीं है। अब इस समय जो कि निजीकरण के बहाने से आरक्षण को समाप्त करना चाहते, नहीं होने देंगे हम आरक्षण को समाप्त, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी भी स्थिति पर क्यों ना चलना पड़े, दलित और मुस्लिम मिलकर के इसका जो विरोध करेगा। जितने भी सरकारी महकमे उन्हें प्राइवेट सेक्टर में लाया गया है उनको दोबारा से खरीदना पड़ेगा, दोबारा से लौटाना पड़ेगा, निजीकरण का बहिष्कार करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम संसद में भी नहीं बैठने देंगे, हम संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मोदी जी होते कौन है? मैं ये कहना चाहता हूं क्या उनके बाप का देश है ये कि वो किसी भी चीज को बेच देंगे? दूसरी सरकार ने 70 साल के अंतर्गत खून पसीने से सींच सींच करके इस देश को बनाया है, कंपनियों को चलाया है, और ये अभी आकर के ये बेच देंगे वो बेच देंगे? तुम्हारे बाप का माल है, अंग्रेजों की औलाद कहीं के, गद्दार कहीं के, तुम तो जो कि अंग्रेजों के मुखवर थे तुम्हारे बाप दादे, अपने परदादा की स्त्री बना के दिखाओ ना, तब आपको मालूम पड़ेगा अच्छी तरीके से। आज बनते हो देश के अंतर्गत में महान। मैं ये कहना चाहता हूं मोदी का खानदान खानदान दोनों अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं, इनके परदादाओं की जो हिस्ट्री लेकर देखिए, इनकी रिपोर्ट लेकर के देखिए, और वही काम आज कर रहे, देश को बेच रहे हैं, देश को नष्ट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आरक्षण नहीं समाप्त होने देंगे, निजीकरण नहीं चलने देंगे हम किसी भी स्थिति के अंदर, देश को नहीं बिकने देंगे। कहते देश नहीं बिकने दूंगा, अब देश नहीं बिक रहा है तो तू क्या कर रहा है तू? मैं कहना चाहता हूं अच्छी प्रकार से मोर चुगाने से केवल ये काम नहीं होगा, मोर तो राम रहीम ने भी चुराया था, जिस प्रकार से उसका हाल हुआ तेरा भी तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं ये कहना चाहता हूं खबरदार, यदि अब निजीकरण की बात की तो राष्ट्रीयकरण की बात करो, देशहित की बात करो, गद्दारी की बात मत करो। निजीकरण देश के साथ और दलितों के साथ गद्दारी है। इनके बीजेपी के अंतर्गत में हर आदमी लगभग बलात्कारी है, हर नेता बलात्कारी है,
आज बलात्कार वाला विधेयक भी पास नहीं हो पा रहा है कि बलात्कारी को फांसी लगनी चाहिए या अंग भंग विच्छेद होने, क्यों? क्योंकि भाजपा के अंतर्गत में 95% बलात्कारी है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं इस समय निजीकरण समाप्त कर दो, आरक्षण समाप्त करने की हिम्मत मत करना कि निजीकरण ही आरक्षण समाप्त करने की पहल है तुम्हारी, इस पहल को मत चलाना आप, क्योंकि इससे देश के अंतर्गत अपराध अपरी होगी और देश के दलितों के हित का जो कि हनन हो रहा है, मैं दलितों के और मुसलमानों के हित का हनन नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।